हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पूजा और कैसे आप सब, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो साड़ियों पे होने वाली है। जो साड़ियां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वेडिंग के अकॉर्डिंग भी होने वाली है। अगर आप वर्किंग हो तो उसके अकॉर्डिंग भी ये साड़ियां होने वाली है, तो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। आप इनको वेडिंग वगैरह में भी पहन के जा सकते हो, आप वर्किंग प्लेस पे भी इन साड़ियों को पहन के जा सकते हो। सभी जो साड़ियां हैं वो मैंने अमेजोन से परचेज करी है, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है तो वहां से चेक करके इनको परचेज भी कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर चेक करिएगा, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूजर नेम आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो अगर आपको लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो मैंने आउटफिट पहना है, जो ज्वेलरी पहनी है, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है, ये बनारसी सिल्क में साड़ी है और इसने मुझे कॉस्ट करा था 899। अब देखते हैं इस साड़ी को। तो पूरी साड़ी पे आपको ये वाले मोटिफ मिलेंगे, जो कि वीविंग के टाइम जरी के धागे से जो वर्क होता है वो वाला वर्क आपको पूरी साड़ी में मिलेगा सेम। अगर मैं इसके बॉर्डर की बात करूं तो आपको इस तरह का बॉर्डर मिलेगा, दोनों साइड आपको सेम ही बॉर्डर मिलेगा, ऊपर और नीचे की साइड रानी कलर के कॉम्बिनेशन में है, तो ऑरेंज और रानी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। बॉर्डर की जो विड्थ है वो सफिशियंट है, आप आराम से इसको कैरी कर पाओगे। पूरी साड़ी आपको सेम इसी वर्क में मिलेगी। अब बात करते हैं इस साड़ी के पल्लू की। तो इसका जो पल्लू है वो आपको रानी कलर में मिलेगा, इस तरह से ये वाला पल्लू आपको इस साड़ी में मिल जाएगा। रानी और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में आपको इसमें पल्लू मिलेगा। अब बात करते हैं इस साड़ी के ब्लाउज की। तो साड़ी का जो ब्लाउज है वो आपको प्लेन मिलेगा, साथ में आपको ये वाला बॉर्डर भी मिल जाएगा, जिसको आप आराम से जो स्लीव्स वगैरह होती है वहां पे आप इस बॉर्डर को यूज कर सकते हो। अगर मैं इस ब्लाउज के लेंथ की बात करूं तो आपको 90 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज मिल जाएगा, और जहां से हम प्लीट्स लेते हैं ना नीचे की साइड से, वहां पे आपको इस साड़ी में नीचे की साइड इतना एरिया आपको इसमें प्लेन मिलेगा। ये आपको पूरा प्लेन ही मिलेगा, इसमें आपको नीचे की साइड भी कोई बॉर्डर नहीं मिलेगा, ये पूरा एरिया आपको प्लेन मिलेगा। इसके बाद इसमें ये वाला हिस्सा इसका स्टार्ट होगा। अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इसका फैब्रिक है, कंफर्टेबल फैब्रिक है, आपको इरिटेट नहीं करेगा, बट हाँ इसका जो किनोर है वो आपको थोड़ी बहुत इरिटेट कर सकता है। ओवरऑल साड़ी का लुक अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी इसका अच्छा है, ऑरेंज और रानी का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। आराम से आप इसको वेडिंग वगैरह में स्टाइल कर सकते हो, लुकिंग वाइज जो एक वेडिंग अकॉर्डिंग जो साड़ी होती है उस तरह का लुक है इस साड़ी का। तो कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अच्छा है, फैब्रिक थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मैं इसे वाव नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है, इस साड़ी ने मुझे 280 ऐसे कॉस्ट करा था, और इसका जो फैब्रिक है वो आपको ब्लेंड कॉटन टाइप का जो फैब्रिक होता है ना वो वाला फैब्रिक आपको इस साड़ी का मिल जाएगा। एक्चुअल इसका जो फैब्रिक है वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी। पूरी साड़ी आपको इस तरह की मिलेगी, इस तरह का पूरी साड़ी में आपको प्रिंट मिलेगा, तो स्क्वायर जो चेक वाला प्रिंट होता है वो वाला प्रिंट आपको इस साड़ी में मिल जाएगा। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरह की साड़ी है ना बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, बट जो पहनने के बाद इनका लुक आता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। पूरी साड़ी में आपको 3-4 कलर मिलेंगे, ग्रीन कलर भी आपको इसमें मिलेगा, स्काई ब्लू कलर मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, ऑफ व्हाइट मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, ब्राउन कलर मिल जाएगा, तो बहुत सारे कलर आपको इस साड़ी में मिल जाएंगे। और इसके पल्लू पे आपको इस तरह से जो थ्रेड वाली टसल्स होती है वो वाली टसल्स भी आपको इसके पल्लू में मिल जाएंगी। अगर मैं इसके ब्लाउज की बात करूं तो ब्लाउज आपको इस तरह का मिलेगा, सेम उसी पैटर्न का आपको इसमें ब्लाउज मिलेगा, बट ब्लाउज का जो कलर है वो आपको थोड़ा सा लाइट कलर मिलेगा साड़ी के एवज में। साड़ी में एक्स्ट्रा ऐसे कोई बॉर्डर वगैरह इसमें नहीं है, बस ये वाला बॉर्डर आपको इसमें मिलेगा। नीचे की साइड भी आपको इसी तरह का इसमें बॉर्डर मिलेगा, एक्स्ट्रा इसमें कोई वर्क या ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आप वर्किंग प्लेस पे कोई सोबर सी साड़ी पहनना चाहते हो जो कंफर्टेबल भी हो, बट उसको पहनने के बाद एक प्रोफेशनल लुक आए और आप खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना चाहो, कंफर्टेबल भी फील करना चाहो, तो उस तरह की साड़ी है। कलर वाइज बहुत अच्छी है और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो ओवरऑल साड़ी बहुत अच्छी है। फैब्रिक इसका एक्चुअली बहुत अच्छा है और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। इसमें
आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे और इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये साड़ी A1 है। जो भी साड़ियां मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ वो सभी आपको मेरे हॉलपैक स्टोर पे मिल जाएंगे और हॉलपैक स्टोर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका क्या फायदा होता है कि आपको एक ही क्लिक पे सारे प्रोडक्ट दिख जाते हैं, विद पिक्चर दिख जाते हैं, विद प्राइस दिख जाते हैं, तो आपको बार बार हर प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करके देखना नहीं पड़ेगा, एक साथ आपको प्रोडक्ट दिख जाएंगे और वहां से आप उनको क्लिक करके उनको परचेज भी कर सकते हो, तो बहुत इजी होता है, एक क्लिक पे आप प्रोडक्ट देख भी पाते हो और उनको परचेज भी कर पाते। नेक्स्ट जो मैं साड़ी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है। इस साड़ी ने मुझे 500 के नीचे ही कॉस्ट करा था, 495 इस साड़ी ने मुझे कॉस्ट करा था। और अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो आपको कोटा डोरिया का इसमें फैब्रिक मिल जाएगा। कोटा डोरिया में भी क्या होता है कि दोनों धागे जो होते हैं वो अगर पॉलिस्टर के होते तो वो खड़ी खड़ी रहती है, बट इस साड़ी में आपको एक धागा जो है वो कॉटन का मिलेगा, जिस वजह से बहुत ज्यादा से खड़ी खड़ी नहीं रहेगी, बहुत आराम से इसकी प्लीट्स बन जाती है और ये बहुत कम्फर्टेबल साड़ी है। इस तरह का बॉर्डर आपको इस साड़ी के नीचे की साइड ये वाला बॉर्डर मिलेगा और यहाँ पे इसमें फैब्रिक की इस तरह से जो पट्टी होती है वो वाली पट्टी आपको इसकी नोट पे मिल जाएगी। ऊपर के साइड जो बॉर्डर है वो आपको इतना मिलेगा, तो ऊपर के जो बॉर्डर की विड्थ है वो आपको कम मिलेगी और नीचे के साइड जो बॉर्डर की विड्थ है वो आपको चौड़ी मिलेगी। पूरी साड़ी पे आपको इस तरह के मोटिफ मिलेंगे, ये वाले मोटिफ आपको पूरी साड़ी में मिल जाएंगे और इस तरह से इसमें मिरर वर्क भी हो रखा है। ये जो मिरर है ना ये प्लास्टिक वाले मिरर मिलेंगे, बट हाँ पूरी साड़ी पे आपको ये वाले मिरर मिल जाएंगे। पल्लू के नीचे की साइड भी आपको ये वाला बॉर्डर मिलेगा, सेम वैसा ही बॉर्डर है जैसा बॉर्डर इस पूरी साड़ी पे है। अगर मैं इसके ब्लाउज की बात करूं तो इस साड़ी में आपको इस तरह का ब्लाउज मिलेगा। इसका ब्लाउज भी एक्चुअली बहुत सुंदर है, इसके साथ अगर आप ये ब्लाउज बनवाओगे तो आपका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। ब्लाउज में आपको कोई मिरर वर्क नहीं मिलेगा, ब्लाउज आपको बस प्रिंटेड मिलेगा और पूरी साड़ी में आपको वो वाला मिरर वर्क मिलेगा। कोटा डोरिया टाइप की साड़ी है तो आपको ऑब्वियस है ट्रांसपेरेंट मिलेगी, तो ये चीज इसकी बहुत अच्छी है। ओवरऑल अगर मैं साड़ी की बात करूं तो कलर ब्लैक और रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है और इसका जो ये मोटिव बने हुए है ना, इनको जिस तरह से बनाया गया है ना ये प्रिंट, वो प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा सा इसको लुक दे रहा है। ओवरऑल साड़ी बहुत सुंदर है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लुकिंग बहुत अच्छी है और इस प्राइस में तो ये साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। और हाँ, इस साड़ी को आप वर्किंग प्लेस पे भी पहन के जा सकते हो और अगर आप वेडिंग वगैरह अटेंड कर रहे हो तो उसके लिए अगर आप कोई कम्फर्टेबल साड़ी बट स्टाइलिश दिखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी ये साड़ी है। तो ये साड़ी आपको बहुत तरीके से यूज हो जाएगी और फैब्रिक और सब कुछ इसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है। इसने मुझे कॉस्ट करा था 799 और ये भी एक बनारसी लुक की साड़ी है। इसका कलर एक्चुअली बहुत ज्यादा सुंदर है, गोल्डन और ग्रे के कॉम्बिनेशन में ये वाली साड़ी मिलेगी और इस साड़ी पे पूरी पे इस तरह का वर्क मिलेगा आपको, ये वाला वर्क जो सेल्फ प्रिंट होता है ना वो वाला प्रिंट आपको मिलेगा, जो जरी वर्क होता है वो वाला वर्क आपको इस पूरी साड़ी में मिल जाएगा इस तरह से। बहुत ही सुंदर लुक की साड़ी है और इसमें आपको बॉर्डर भी मिलेगा, इस तरह का आपको इसमें बॉर्डर मिल जाएगा, दोनों साइड आपको इसमें सेम ही बॉर्डर मिलेंगे, सेम विड्थ के आपको दोनों साइड इसमें बॉर्डर मिल जाएंगे। एक्चुअली जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सेम सेम है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा इस तरह दिखेगा नहीं, ये पास से प्रॉपर पता चलता है, बट अगर मैं इसे दिखा रही हूँ तो ये प्रॉपर ऐसे दिखेगा नहीं, बट हाँ इसमें बॉर्डर भी बना हुआ है और नीचे और ऊपर दोनों साइड इसमें सेम ही विड्थ का आपको बॉर्डर मिलेगा। अगर मैं इसके पल्लू की बात करूं तो इस साड़ी में आपको इस तरह का पल्लू मिलेगा, ये वाला पल्लू आपको इस साड़ी में मिल जाएगा और नीचे आपको ये वाली टसल्स भी मिल जाएंगी जो कि थ्रेड वाली टसल्स हैं। जहां से हम प्लीट्स लेते हैं ना वहां पे आपको इतना एरिया इसमें प्लेन मिलेगा, इसी एरिया में आपको ये ब्लाउज भी मिल जाएगा और इतना एरिया इसमें आपको प्लेन भी मिल जाएगा, तो आप जितनी लेंथ का ब्लाउज निकालना चाहो तो उतनी लेंथ का इसमें आप ब्लाउज निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये इसमें इन्होंने लास्ट में दिया है ये वाला बॉर्डर, तो आपको जितनी लेंथ के ब्लाउज की जरूरत होगी उतने लेंथ के आप इसमें से ब्लाउज निकाल सकते हो। ओवरऑल अगर मैं साड़ी की बात करूं तो साड़ी का लुक बहुत ज्यादा सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, बट हाँ इसमें पीछे की साइड ये इस तरह से थ्रेड निकले हुए हैं की वजह से अगर आप इसको रफली पहनोगे तो इसके धागे खींचेंगे, तो ये जो धागे खींच जाते हैं ना वो वाली प्रॉब्लम इस साड़ी में आएगी, तो आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पहनना पड़ेगा और बहुत ही इसका ख्याल रख के अगर आप इस साड़ी को पहनोगे तो अच्छा है, अदरवाइज इसके धागे ऐसे खींचने लग जाएंगे। साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, लुकिंग भी अच्छी लगी, बट हाँ इसके जब मैंने भी पहना था तो इसके धागे खींच रहे थे तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, अदरवाइज ये साड़ी बहुत सुंदर है। इस टाइप के जो कलर होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
नेक्स्ट जो मैं साड़ी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है। इस साड़ी ने मुझे कॉस्ट करा था 699 और इसका जो फैब्रिक है वो डिफरेंट टाइप का फैब्रिक है, जैकार्ड टाइप का मुझे इसका फैब्रिक लग रहा है। इस साड़ी में आपको पूरी साड़ी में ये वाला प्रिंट मिलेगा, जिस तरह से गलीचे होते हैं ना, कश्मीरी गलीचे होते हैं, तो उस तरह का प्रिंट आपको इस साड़ी में मिल जाएगा। ये वाला बॉर्डर भी आपको मिलेगा और सेम बॉर्डर मिलेगा आपको, ऊपर की साइड भी इस तरह का बॉर्डर ही मिलेगा और नीचे की साइड भी आपको इस साड़ी में ये वाला बॉर्डर मिलेगा। पूरी साड़ी आपको रनिंग में मिलेगी, सेम प्रिंट आपको इस पूरी साड़ी में मिल जाएगा और इसमें आपको ये वाला पल्लू मिलेगा। इसका पल्लू भी एक्चुअली बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मैं इसके ब्लाउज की बात करूं तो इसमें आपको ये वाला ब्लाउज मिलेगा, ब्लाउज सेम वही जैकार्ड वाले फैब्रिक का ही आपको इसमें ब्लाउज मिलेगा, बट ब्लाउज आपको पूरा इसमें प्लेन मिलेगा। ब्लाउज का फैब्रिक सेम साड़ी के फैब्रिक जैसा ही है। और अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो आपको 80 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज मिल जाएगा। ओवरऑल साड़ी, पूरी साड़ी पे आपको सेम इसी तरह का प्रिंट मिलेगा और इसका प्रिंट एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये साड़ी का प्रिंट बहुत सुंदर लग रही है। साड़ी एक्स्ट्रा इसमें कोई बॉर्डर लेस वर्क ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम प्रिंट की आपको साड़ी मिलेगी, तो इसमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ बताने का नहीं है। बट हाँ, प्रिंट इसका बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी इसका अच्छा है और इसकी लुकिंग भी बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह की साड़ियों को आप वर्किंग प्लेस पे आराम से पहन के जा सकते हो, बहुत ही प्रोफेशनल सा लुक आता है। और अदरवाइज अगर आप किसी वेडिंग या पार्टीज में पहन के जाना चाहते हो तो अगर इसके साथ आप कट स्लीव ब्लाउज या थोड़ा सा स्टाइलिश ब्लाउज पहन के जाते हो तो आपका जो लुक है वो आपको वेडिंग या पार्टीज के अकॉर्डिंग भी आ जाता है। तो इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। सभी जो साड़ियां हैं उनका जो लिंक है वो आपको मेरे हॉलपैक स्टोर पे मिल जाएगा और मेरे हॉलपैक स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और आपको इनमें से कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।